हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशनी आज आपके साथ वेस्ट बंगाल की सबसे टॉप कॉलेज में से एक कॉलेज गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। आखिरकार क्यों आपको गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहिए? गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को हम जिम्स के नाम से भी जानते हैं। गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। 2016 में गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एस्टेब्लिश्ड हुआ था। MBBS के लिए गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टोटल सीट्स 150 है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट की 50 और अदर स्टेट मैनेजमेंट की 100 सीट्स हैं। गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल कैंपस है और साथ ही में ये 21 एकड़ की लैंड में बेस्ड है। गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस NMC से अप्रूव्ड है। MBBS के लिए यहाँ पे 4 साल और 6 महीने पूरा फुल कोर्स होता है। गौरी देवी से MBBS करना क्यों है जरूरी? क्योंकि कॉलेज के पास इंडिया की बेस्ट फैसिलिटी है। जैसा कि आप जानते हैं, 2023 से NMC एग्जिट एग्जाम, जिसको नेक्स्ट एग्जाम भी कहते हैं, वो स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप अच्छी फैसिलिटी के अंदर अपना MBBS कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके लिए भी बेहद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर से आने वाले 8% स्टूडेंट ही FMGE का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। अब इंडिया में भी सेम पैटर्न लागू होने जा रहा है। ये रिक्वायर है कि आप अच्छी फैसिलिटी के अंदर स्टडी करें और गौरी देवी को ही MBBS के लिए चुनें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्लाइट कनेक्टिविटी गौरी देवी के लिए दुर्गापुर में एयरपोर्ट भी है। डिफरेंट स्टेट्स जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट की फैसिलिटी भी है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पिछले ही साल 2020 में स्टेट गवर्नमेंट की फीस 5,35,000 थी और अदर स्टेट ऑफ मैनेजमेंट की फीस 18,30,000 थी। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप आप दोनों कर सकते हैं।